आप सब आंगनबाड़ी बहनों का भी जिस प्रकार का जुड़ाव हो जाता है वो किसी माँ से कम नहीं होता है। मैंने इसको नजदीक से देखा है, हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों, मिनी आंगनबाड़ी बहनों और सहायिकाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके मानदेय में भी हमने वृद्धि की। जहां पहले आंगनबाड़ी बहनों को 7500 रुपए मानदेय के रूप में मिलते थे, अब आपको 9300 रुपए मानदेय के रूप में दिए जा रहे हैं। मिनी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में भी 4500 से बढ़ाकर 6250 और सहायिकाओं का भी 3550 से 5250 रुपए किया गया है। मैं इस मंच के माध्यम से आज के इस दिन पर मैं आप सबको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके भाई के रूप में आपके लिए जो सबसे बेहतर होगा वो हमेशा करने के लिए हम लोग तैयार हैं, वह सब किया जाएगा जो आवश्यकता होगी। बस इतना कहना चाहता हूं, जैसा बहन रेखा ने यहां से कहा कि आप सबकी जो जरूरत है, आप सबकी जो आवश्यकताएं हैं, उसको हम लोग भली भांति महसूस करते हैं। लेकिन हमारा राज्य भी नवोदित राज्य है, बहुत सारे हमारे सामने चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये चुनौतियां भी हमारी संपूर्ण प्रदेश की हैं और उन सब चुनौतियों पर हमें पार भी करना है। उन सब का ध्यान में रखते हुए सरकार में निर्णय लेने पड़ते हैं और निश्चित रूप से उसके बावजूद भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जो सबसे बेहतर होगा हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में हर क्षेत्र में मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है, ये कौन भूल सकता है कि जब हम उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे थे उस आंदोलन को सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी मातृशक्ति ने किया है। हमारी माताओं बहनों ने उत्तराखंड बनाने में अपना ये योगदान दिया है वो हमेशा उत्तराखंड के स्मरण में रह। और मातृशक्ति का है हमारे शास्त्रों में भगवान का निवास स्थान बन जाता है, यही कारण है कि हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है उसमें भी नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है और वेदों में भी महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा गया है कि वो सक्षम हो, समर्थ हो और राष्ट्र को नई दिशा देने के लिए अग्रसर हो, यानी कि सबसे आगे आए, आगे आकर जो है दिशा देने का काम करें। और यही कारण है कि आज हमारी मातृशक्ति महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आज पुरुषों से कम नहीं है, वह हर जगह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे आज घर हो, युद्ध का मैदान हो, राजनीति हो, सिनेमा हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे शोध अनुसंधान का क्षेत्र हो, महिलाओं ने आज हर जगह अपने को साबित करने का काम किया है। महिलाओं ने आज अपने को हर जगह पर सिद्ध किया है कि वो किसी से कम नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के अंदर हमारे सुदूर गांवों में ऐसे अनेकों सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं, मातृशक्ति के स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं और इन स्वयं सहायता समूह कुटीर उद्योगों के जरिए जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम हो रहा है। केवल मजबूत करने का ही काम नहीं हो रहा है बल्कि अपने रोजगार के साथ अनेकों लोगों को भी आज रोजगार देने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। हमारे पास कौशल की, बुद्धि की, परिश्रम की कोई कमी नहीं है और अब यही कौशल उनके और उनके परिवार की जो आर्थिकी है, जो उनका रोजगार है, उसको बल प्रदान कर रहा है। निश्चित रूप से आज हम अनेकों क्षेत्रों में हमारी मातृशक्ति जो काम कर रही है वो हमारे लिए, पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा, यहाँ के लिए उनका एक, मैं कहूँ कि एक अच्छा जो अनुभव है, पूरी दुनिया के लोग लेकर जा रहे हैं। पिछले दिनों जब हमने यहाँ पर जी ट्वेंटी की जो अध्यक्षता हमारे देश को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिली है, उस G20 के 3 कार्यक्रम हमारे राज्य में भी हुए। पहला कार्यक्रम रामनगर में हुआ, दूसरा हमारा
नरेंद्र नगर, ऋषिकेश में दोनों कार्यक्रम दोनों के हुए और पूरे देश दुनिया के लोगों ने उसमें भाग लिया। और हमारी मातृशक्ति के द्वारा जो उत्तराखंड के अंदर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जो काम किए गए हैं उनका अनुभव लेकर यहाँ से दुनिया के लोग गए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने मातृशक्ति के उत्थान के लिए अनेकों काम किए हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी और उनके सशक्तिकरण के लिए भी लगातार कार्य हो रहे हैं। आज वित्तीय समावेश से लेकर सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से लेकर आवास शिक्षा से लेकर उद्यमिता का क्षेत्र, हमारी नारी शक्ति जो भारत की विकास यात्रा है, उस भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखने के लिए कई सारे प्रयास आज इस दिशा में किए जा रहे हैं और आने वाले समय में ये प्रयास और अधिक उत्साह के साथ और अधिक ऊर्जा के साथ किए जाएंगे। प्रदेश के अंदर चाहे आज लखपति दीदी योजना हो, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, हर घर नल से जल हो, शौचालय का निर्माण हो, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष कोष का गठन हो, ये सभी कार्य इसके उदाहरण हैं। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने अभी सरकारी नौकरियों में आप सभी को 30% आरक्षण का संपूर्ण लाभ देने के लिए जिस तेज गति से काम किया है उसे आप, हमारी जो प्रतिबद्धता है, हमारे मन में जो भाव है और जो हम सोचते हैं उसका आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं या स्वयं ही समझ सकते हैं कि हमारे कामकाज में, हमारी सरकार की प्राथमिकता में हमारी माताओं बहनों का, हमारी मातृशक्ति का कौन सा स्थान है, किस प्रकार का स्थान है। यानी कि हमारे लिए अगर सबसे प्राथमिक कोई है तो हमारी मातृशक्ति बहनें हैं। आज प्रदेश की समस्त माताओं और बहनों के अपने अथक परिश्रम से जहां एक ओर आर्थिक रूप से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है, वहीं देवभूमि की सभ्यता और संस्कृति को भी जीवंत रखने का काम किया है। और इस दिशा में बहुत सारे काम आज राज्य के अंदर हो रहा है। अगर हम कहें तो 1,00,000 से अधिक गर्भवती धात्री माताओं के पूरक पोषाहार, टेक होम और राशन व टीकाकरण की सेवाएं आज दी जा रही हैं। राज्य में समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत 6 माह से 3 वर्ष की आयु वर्ग के 4,00,000 से अधिक लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार दिया जा रहा है। 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 2.25 लाख लाभार्थियों की निगरानी, स्वास्थ्य एवं स्कूल शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा हेतु कक्षा में 1 में प्रवेश के अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को न्यूनतम आयु 6 वर्ष करने का भी अभी हमने पिछली जो मंत्रिमंडल की बैठक थी उस बैठक में हमने निर्णय लिया है। आज आंगनबाड़ी सेवाओं में चौतरफा सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अभी तक 9,64,00,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिशियरी DBT के माध्यम से 73,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया गया है तथा 3,13,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि से हमारी आशाएं बहनें भी लाभान्वित हुई हैं। सरकार द्वारा पोषण अभियान 2 योजना के तहत 20,067 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन भी इसमें प्रदान किए गए हैं। योजना के तहत स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल, पौष्टिक आहार, डायरिया प्रबंधन एवं सुनहरे 1,000 दिन जैसे। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस वक्त मुख्यमंत्री जो है संबोधित कर रहे हैं, पुरस्कार वितरण समारोह है। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए सरकार जो भी जरूरी कदम होंगे, मुनासिब कदम होंगे, जरूर उठाएंगे। बांग्लादेश